तो बीजेपी के सांसद हैं अनंत हेगड़े और महात्मा गांधी या फिर नेहरू के खिलाफ वो कुछ नहीं कह रहे थे, ऐसा उनका कहना है। सफाई सामने आई है। पहले तो ड्रामा बताते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान है महात्मा गांधी को उसको दरकिनार कर उसे एक ड्रामा बताते हैं, फिर कहते हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं कह रहे थे। कहते हैं कि महात्मा कैसे कह दिया जाता है लोगों को, फिर कहते हैं कि महात्मा गांधी के लिए हम कुछ भी नहीं बोल रहे थे, हम सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे थे। ये दो तरफा बातें क्यों की जा रही हैं, किस तरह से की जा रही हैं और पार्टी का क्या रुख है, वहीं जानने के लिए हम इस डिबेट को रखे हैं। और प्रभात जी आपके पास आना चाहूंगा। अगर दो तरह की बातें हैं, जिस तरह से मैंने ब्रेक से पहले पूछा कि अगर मैं आपके ऊपर ये सवाल खड़ा कर दूं कि आप देश प्रेमी नहीं है तो आपको ठेस पहुंचेगी, वैसे ही गांधी जी हैं, उनको लेकर अगर सवाल खड़ा करेंगे तो जो गांधी जी के सम्मान करते हैं या फिर जो गांधी जी के साथ उनके सहयोग को मानते हैं स्वतंत्रता संग्राम में, उनको ठेस पहुंचती है। देखो हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छा सवाल जब किया था तो विनीत जी उसका जवाब नहीं दे पाए जहां तक मेरा ख्याल है, लेकिन मैं उससे आगे बढ़ के एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि राजनीति में हमाम में सभी नंगे हैं, सारे राजनीतिक दल एक ही चट्टे बट्टे के हैं, कोई अलग नहीं है, कभी वो बयान देते हैं कभी वो बयान देते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के बारे में बोलने से पहले कोई भी हो, हम कह रहे हैं चाहे हम हो, चाहे इस खेमे से हो चाहे उस खेमे से हो, सोच विचार करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ के, और उन्होंने चरखे पे लड़ाई हो रही थी, अभी चरखा उनका सिंबल था, लाठी लेके चलते थे, उनके चश्मा घड़ी चरखा सब कितना कितने उसमें जब नीलाम हुआ तो बिका, और हम लोग उसको एक मानते हैं महात्मा गांधी के उन चीजों को। सवाल इस बात का है कि आज देखिए आप समझ लीजिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूं क्लियर कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन वोट के लिए होता था, अब इस देश के अंदर विचारधारा का पोलराइजेशन हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब गांधी जी ने देश को 47 में आजाद कराया, उसके बाद सरकार नेहरू जी की आई और जैसा कि ये कह रहे हैं कि फर्जी टाइटल लगा के गांधी लोग घूम रहे हैं, हमें उन सब चीजों पे न जाके हम कहीं ना कहीं हम उस महापुरुष को, उसकी आत्मा को कलंकित कर रहे हैं जिसने देश के लिए आजादी दी है। ऐसे बयान बहादुर समाज में आइकॉन होते हैं, उन जो जिनसे लोग सीखते हैं कि अगर हेगड़े जी हैं या आपके ठाकुर जी हैं या और भी जो बयान बहादुर हैं, ये सब पार्टी के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। जब ये इस तरीके की बातें करेंगे तो समाज में इसका बहुत गलत असर जाएगा, और इसका इतना गलत असर जाएगा कि पार्टी ये सोचे कि ये वोट दे के हम विचारधारा पोलराइज कर रहे हैं या हम एक गांधी के युग को समाप्त कर देंगे, एक नए गांधी के युग की शुरुआत हो जाएगी, चाहे वो मोदी के रूप में हो। नहीं भाई, मैं एडवांस बोल रहा हूं आपको, ये पूरी तैयारी इस देश के अंदर चल रही है, ये बड़ी खतरनाक चीज है, मैं बता रहा हूं हिमांशु जी, इस पे रोक लगनी चाहिए। और चुनाव आयोग या कौन, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल देते हैं उल्टा सीधा कि बच्चों से गलती होती रहती, कोई कहता ये होता रहता, कोई कहता ये होता रहता है। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी का रजिस्ट्रेशन आपके आपके एक मिनट पूरी बात आने दो, नहीं नहीं मैं सभी नेताओं की बात कह रहा हूं, पूरी बात आने दीजिए। मेरा ये कहना है कि जितने भी ये राजनीतिक दल के, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे वो छुटवैया नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो, इनकी पार्टी का पंजीकरण होता है, और पंजीकरण बाकायदा रजिस्टर्ड पार्टी होती है तो पंजीकरण होता है। आप समाज में इस तरीके की बातों का आप अगर जहर घोलेंगे, और वो भी अब गांधी के ऊपर हमला होने लगा इस देश के अंदर, अरे भाई आप अपनी विचारधारा, आप देश के अंदर नई विचारधारा बना रहे हैं, आप बनाइए, लेकिन उस व्यक्ति को छोड़ दिए जिसने देश के अंदर क्या पूरे विश्व में महात्मा गांधी का सम्मान है। हम उनकी 125वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, हमें तो और गांधी जी के बारे में बताना चाहिए, उनकी और अच्छाइयों के बारे में, जो चीजें रह गई हैं, जो इतिहास में नहीं लिखी गई हैं, अगर वो सामने आती हैं तो बाकायदा उसको बच्चों को बताना चाहिए। विनीत जी आपके पास आना चाहूंगा। इस तरीके के बयान, ये कहा गया कि इतिहास पढ़ने पर मेरा खून खौल उठता है, ऐसे लोग हमारे देश में महात्मा बन जाते हैं, ये बात कहना और फिर इस बात को कहना कि हम बड़ा सम्मान करते हैं, कैसे दो बातों को डिफाइन करेंगे बताइए। मानसू जी, इतिहास की अगर बात की जाए तो उस समय कुछ ऐसी चीजें थी, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की बात की, गांधी जी की नहीं बात की, मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोग हमारे देश में महात्मा बन जाते हैं, इस देश के अंदर दूसरा महात्मा महात्मा कौन है, बार बार यही महात्मा की उपाधि मिली, कौन है दूसरा, ऐसा बताइए जरा, दूसरा कौन है। हिमांशु जी, मैं बार बार यही कहूंगा कि गांधी जी के सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता, गांधी जी का सम्मान इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में है,
इसलिए गांधी जी के सम्मान को कोई सत्ता नहीं पहुंचा दिया है। नहीं नहीं पहुंचा दिया है, अनंत हेगड़े के बयान से साफ जाहिर है। हेगड़े जो भी बोला, सवालिया निशान लगाना उस चीज पर, जो भी सांसद जी ने बोला, सांसद जी को उन्होंने अपनी सफाई दी कि मैंने गांधी जी के उनको सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचाई है, ना ही पंडित नेहरू के लिए मैंने कोई अपमानजनक शब्द मैंने नहीं कहा है। देखिए किसी की सफाई अगर आती है पहुंची है, देखिए वो नहीं बताएंगे कि उन्होंने सही कहा या गलत, जो दूसरों ने सुना है उस चीज को वो बताएंगे। बता रहा हूँ, दूसरे लोगों ने सुना है वो बताएंगे सही है या गलत है। नहीं हिमांशु, वो खुद नहीं बताएंगे, डिफाइन नहीं करेंगे। वो इतिहास में बहुत सारी चीजें ऐसी, कुछ गलतियां हुई तमाम, जैसे धारा 370 एक ऐसा नासूर था जो इस देश में कोढ़ की तरीके से था, उसको दूर करने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये ऐतिहासिक तमाम ऐतिहासिक गलत कहा, हमने उसको गलत कहा, मैंने कहा कि आजादी के समय तमाम ऐसी, हमने उसको गलत कहा, ऐसी ऐतिहासिक भूल रही हैं जिनके कारण इस देश को खामियाजा भुगतना पड़ा। तो कम से कम स्वतंत्रता संग्राम में जो महात्मा गांधी का योगदान है उससे क्या संबंध है इसका? नहीं, गांधी जी से मैंने कहा ना, गांधी जी का योगदान, गांधी जी के जो सत्याग्रह था या उन्होंने स्वदेशी की बात की या जो भी था, इस देश में ही नहीं दुनिया में उनका सम्मान है और भारतीय जनता पार्टी उनका पूरा सम्मान करती है, उनके पदचिन्हों पर चलती है, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का काम। अगर अच्छा, तो एक ऐसी विचारधारा वाला इंसान, अच्छा ठीक है ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूं, लेकिन ऐसा इंसान, अनंत हेगड़े सांसद है, आपकी पार्टी के नेता है, बड़े नेता है, वो अगर इस तरह की बातें करते हैं तो उनकी विचारधारा यानी कि अलग है। अगर उनकी विचारधारा अलग है तो आपकी पार्टी में वो क्या कर रहे हैं या फिर अब उनकी क्या जरूरत है? देखिए विचारधारा उनकी राय हो सकती, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कतई नहीं है। हिमांशु जी मैं बार बार कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा गांधी जी के पदचिन्हों पर चल रही है। विचारधारा कुछ नहीं है, एक सेकंड तो आपकी विचारधारा क्या है, आपकी विचारधारा क्या है पहले इसको क्लियर करिए, क्योंकि सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर साध्वी प्रज्ञा ये कहती है कि गोडसे देश प्रेमी था, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में जो है कोई योगदान नहीं था और जो भी था वो सब ड्रामा था, हेगड़े जी ये कहते हैं, तो आपकी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है इसको पहले क्लियर करिए। देखिए हिमांशु जी, गांधी जी का पूरा सम्मान है, लेकिन जो ऐतिहासिक भूल हुई उनको भी कहा जाएगा, क्यों नहीं कहा जाएगा? हम ये नहीं करना चाहिए, हमने ये कहा कि उस पाकिस्तान को समय जो हुआ, आप सोचिए प्रधानमंत्री बनते समय नेहरू ने जिद की, सरदार पटेल के पक्ष में उस इंसान को तो बख्श दीजिए कम से कम, जिसने इतना जो जो आजादी दिलाने में सहयोग किया उसका खामियाजा देश को तो बख्श दीजिए। सरदार पटेल नाम ले लेकर बार बार कह रहा हूँ, गांधी जी मत चमकाइए अपनी, कम से कम इतनी मेहरबानी इस देश के ऊपर कर दीजिए। ठेस पहुंचाने का कोई मंशा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, उनके सम्मान में जितनी भी योजनाएं हैं चलाई जा रही हैं, उनके सम्मान के लिए देखिए तमाम काम किए जा रहे हैं, लेकिन जो लोग गांधी का टाइटल लेकर के चल रहे हैं आज इतने वर्षों से, उन्होंने गांधी अच्छा, की कटाक्ष क्या उनका कोई सरोकार नहीं है? जी ने कहा उन लोगों ने देश में जो कटाक्ष बने रहने किया वो क्या गांधी परिवार के ऊपर था? एक सेकंड मुझे बताइए, कांग्रेस एक सेकंड मुझे बताइए, एक सेकंड पे मत आक्रमण करवा, ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड देते हैं आज प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को आगे करके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की हत्या कर, क्या नहीं 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 मुझे ये बताइए क्या कर रहे हैं, चाहे वो अनंत हेगड़े का बयान और अनंत हेगड़े का बयान, सारे के सारे लोग दंगे में शामिल थे, सारे हेगड़े का बयान क्या गांधी परिवार के लिए था? अनंत हेगड़े का बयान क्या गांधी परिवार के लिए था? नहीं देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं हिमांशु जी कि हेगड़े साहब के निजी बयान को भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं माना जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थल से जनता पार्टी, सार्वजनिक स्थल से सार्वजनिक स्थल से कोई भी निजी बयान नहीं दिए जाते, उनको बिना शर्त माफी मांगने के लिए बोला है। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, सार्वजनिक मंच से मेरी बात सुनिए, सार्वजनिक मंच से कोई भी निजी बयान नहीं दिए जाते, पहली बात तो ये समझ लीजिए, सार्वजनिक मंच से खड़े होकर आप कुछ भी नहीं बोल सकते। देखिए बहुत सारे लोग अपनी निजी कुछ भी नहीं बोल सकते, बहुत सारे लोग निजी राय रखते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि मैंने अच्छा बताइए फिर तो अच्छा ठीक है, अभी शर्जिल इमाम का मामला, एक सेकंड अभी शर्जिल इमाम का मामला हुआ, मंच पर खड़े होकर उसने कहा कि असम को अलग कर देना चाहिए, जेल के अंदर ये क्या निजी बयान था क्या?
मंच पर खड़े होकर जो आप बोलते हैं वो निजी नहीं होगा। पहली बात तो समझिए, सरजील इमाम से आप एक सांसद की हेगड़े साहब की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं ये बता रहा हूँ कि सार्वजनिक मंच से मैं ये बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सार्वजनिक मंच से खड़े होकर आप ऐसा नहीं बोल सकते। सार्वजनिक मंच से खड़े होकर आप ऐसा नहीं बोल सकते। मैं इस बात को कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई भी नहीं बोल सकता। तो फिर क्यों बोला गया गांधी? तो फिर क्यों बोला गया गांधी जी? क्या बोला, क्यों गया? मैं मुझे ये बताइए ना, नहीं कर सकता। बार बार कह रहा हूँ हेगड़े जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में क्यों बोला ऐसा? उन्होंने अरे भाई क्या बात कर रहे हैं प्रभात जी? उन्होंने सफाई दी, उन्होंने कहा कि मैंने कतई गांधी जी बताइए। अच्छा बताइए, उन्होंने बोला गांधी जी का एक सवाल मेरा सुन लीजिए। मैं अगर कहूं कि आपकी जो देशभक्ति है या फिर जो आपका राष्ट्र प्रेम है वो एक ढोंग है, दिखावा है, तो कैसा लगेगा आपको? जरा बताइए। आप देखिए, आपके कहने से नहीं, आपके कहने से नहीं हो सकता भाई। जब मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रभक्ति, जिस पार्टी का जो है सबसे प्रथम उद्देश्य ये होता हो राष्ट्र पहले रखा जाता है, बाद में पार्टी होती है, अंतिम पंक्ति में बैठे गांधी को भी साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ सरकार चल रही है। गांधी भी भारत का आप नहीं मानते ना, आप नहीं मानते ना, आप नहीं मानते ना कि आप मानते हैं आप देश प्रेमी हैं। का नाम लेने वाले गांधी जी मानते हैं ना, आप इस बात को मानते हैं ना कि आप देश प्रेमी हैं, उनकी आप इस बात को मानते हैं ना कि आप देश प्रेमी हैं। हमारे पास इसका जो दूसरे पर सवाल खड़ा करने से पहले दूसरे पर सवाल खड़ा कर देते हैं, अपनी बात पे नहीं मानते, दूसरे पर सवाल खड़ा कर देते हैं और महात्मा गांधी जैसे शख्स पे जो है सवालिया निशान लगा देते हैं। गांधी जी पे कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता, मैं कह रहा हूं। लेकिन जो लोग गांधी जी के राम नाम की जो धुन थी उसको नकारते हैं, राम के अस्तित्व को नकारते हैं, ऐसे लोगों को सर माननी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ बातें हैं रोहित जी, सिर्फ अरे भाई देने से हम आपके कहने से नहीं, हम बातें नहीं करते हैं, हम करते हैं, हम उनके पद चिन्हों पे चलते हैं, हम उनकी पद चिन्हों पे चलते हैं, हम उनके नाम से योजनाएं चलाते हैं। खड़े होकर के आपके नेता उनका, हम खाली उनके नाम का टाइटल लेकर के घूमते नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, टाइटल लेके मत घूमिए, लेकिन उसका पॉलिटिकल माइलेज जरूर ले लीजिए। रोहित जी, हम दो तरफ की बातें कैसे कर सकते हैं एक मंच पर खड़े होकर? हम एक तरफ कह रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का कोई योगदान नहीं था, वो सब एक ड्रामा था। फिर हम कह देते हैं कि महात्मा गांधी का हम तो बड़ा सम्मान करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर महात्मा गांधी का अपमान करती चली आ रही है और एक सांसद का कोई भी बयान निजी बयान नहीं हो सकता है। और उस सांसद के ऊपर वो भी सार्वजनिक मंच पे खड़े होकर, वो भी, और जब सांसद के ऊपर अगर कोई टिप्पणी, अगर इस तरीके की अगर सांसद कोई टिप्पणी करता है उस पर कोई भी पार्टी अगर कार्रवाई नहीं करती है तो डेफिनेटली वो एक बाकी सांसदों के ऊपर कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज जाता है कि आप इस तरीके की आप अगर टिप्पणी करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मंत्री पद से नवाजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कल्चर आ गया है कि जब जब वो अपशब्द बोलते हैं, चाहे वो दूसरे दलों के नेता हो उनके लिए, चाहे वो महापुरुष रहे हो हमारे देश के उनके लिए, और चाहे आजादी की लड़ाई में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी योगदान नहीं था तो वो भारतीय जनता पार्टी उस आजादी की लड़ाई का ध्रुवीकरण करना चाहती है। क्या बात करते हैं, बताइए क्या 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 आजादी की लड़ाई में देश के तमाम नागरिक, अरे क्या बात कर रहा है, क्या था भारतीय लाखों करोड़ों युवा शहीद हुए, अरे क्या बात करते हैं, अरे बीजेपी का बताइए, बीजेपी का बताइए, बीजेपी का बताइए, चौधरी अजीत सिंह यहाँ से था क्या? सिर्फ सत्ता की मलाई काटने के लिए आप जिस पार्टी में खाली के बैंगन तरीके से लुढ़कते रहते हैं। अच्छा विनय शुक्ला जी, विनय शुक्ला जी बताइए, बात करेंगे, विनय शुक्ला जी बताइए, बात करेंगे, बीजेपी का क्या योगदान था करने वाले, बीजेपी का क्या नेतृत्व करते हैं जो लोग, बीजेपी का क्या योगदान था? बात करिए, मत करिए, आजादी में करोड़ों युवाओं ने बलिदान दिया है, वो बीजेपी से थे क्या? बीजेपी से थे वो, बीजेपी से थे वो, बीजेपी से थे क्या? बीजेपी से थे करोड़ों युवा, करोड़ों युवा की आपने बात करी, क्या वो बीजेपी से थे क्या? उस समय क्या पार्टी थी? हाँ, उस समय क्या पार्टी थी? तो फिर हेगड़े जी कैसे कह सकते हैं? हेगड़े जी के कहने का क्या मतलब था फिर? ये बात देश की बात करता हूँ, देश के नागरिकों की बात करता हूँ,
भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, जनता पार्टी कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करना चाहती है आजादी की लड़ाई का, कहीं ना कहीं आजादी आजादी की लड़ाई के जो नायक थे उनके ऊपर टिप्पणियां कर देगा। भारतीय जनता पार्टी को कोई हक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के तुच्छ नेता बयान आजादी के नायकों को सम्मान दिया सुभाष चंद्र बोस को, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हो गई मानी चाहिए। आप बताइए लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई आज तक क्या कर रहे हैं, छह साल तक नहीं पता चला रहे आपने अपमानित करने का काम किया। अपमानित आपने महात्मा गांधी को कर दिया, अपमानित तो आपने महात्मा गांधी को कर दिया, उनके सहयोग को उनके योगदान को भुला कर मिलती है। महात्मा गांधी को अपमानित करने वाली पार्टी का देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। बताइए विनीत जी, विनीत जी आपने तो भुला ही दिया ना, आप तो कह रहे हैं, हम आपको नहीं कह रहे हैं, हम हेगड़े जी की बात कर रहे हैं। और पहली बात इस बात को मान लीजिए उनका वो निजी बयान नहीं था क्योंकि वो सार्वजनिक मंच पे खड़े थे, किसी भी सांसद किसी भी विधायक का कोई बयान नहीं, कोई भी निजी बयान नहीं होता है। और अगर उस पर अगर अभी भी निजी बयान मानते हैं तो फिर जो है उनपे कार्रवाई मत करिएगा जैसा आप करते आ रहे हैं, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर पर क्या कार्रवाई हो गई हम सबने देखा, हम सबने देखा। हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी गांधी जी की विचारधारा के साथ है, उनके पदचिन्हों पे चलती है, केवल टाइटल नहीं लेती है, उनपे काम करती है, उनके वोट देने वाले आपकी पार्टी में सम्मान में योजनाएं चलाती है, गांधी जी को नहीं मानती, गरीबों तक पहुंचाती है, गांधी जी को नहीं मानती, गरीबों को आपकी पार्टी में क्या करनी पड़े, बिजली और तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया है, नहीं विनीत जी का खाली नारा नहीं दिया है। आर्थिक मोर्चे पर पहुंच गए, आर्थिक मोर्चे पर मत जाइए, नहीं तो वहां पर और दुखी होगी। मेरी बात सुनिए, ऊपर है अगर अगर प्रज्ञा ठाकुर ने, प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि गोडसे देशभक्त था, आप महात्मा गांधी को मानते हैं, आप उनकी विचारधारा पे चलते हैं, तो प्रज्ञा ठाकुर हेगड़े जी को छोड़ दीजिए, हेगड़े जी को छोड़ दीजिए, बात करिए प्रज्ञा ठाकुर पर क्या कार्रवाई किया आपने अभी तक, बताइए मुझे। निजी बयान को मैं कह रहा हूँ, निजी बयान पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाना चाहिए। ऐसे सारे नेता निजी बयान देते रहे और तरह तरह का जहर घोलते रहे समाज के अंदर। अरे भाई साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीति में बात करेंगे, राजनीति में यही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला, मुलायम सिंह ने बोला कि बच्चों से गलती हो जाती है। समाजवादी पार्टी के आजम खा महिलाओं के कपड़े झांकते हैं, तब आपको शर्म नहीं आई, नहीं तब आपको शर्म नहीं आई, गांधी के अपमान को आप ठीक है, राम के अस्तित्व को नकार देते हैं, जिसको गांधी के अस्तित्व हो गए तो आप सही हो गए। विनीत जी एक मीडिया पर्सन होने के नाते और एक आम आदमी होने के नाते मैं उस बयान को भी जो है गलत मानता हूँ और आपके बयान को भी गलत मानता हूँ। उन्होंने कार्रवाई नहीं की, उनकी थूतू हो रही है, लेकिन आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपकी भी थूतू होगी, जैसे आपने नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल किया हिमांशु जी। प्रज्ञा ठाकुर पर क्या कार्रवाई हुई जरा बता दीजिए मुझे, बता दीजिए। दोनों पे जो कार्रवाई होती है भारतीय जनता पार्टी, जो यही कार्रवाई होती है, देखिए यही यही डिफरेंस है। आपको फांसी चढ़ा देंगे क्या? नहीं, फांसी को फांसी चढ़ा देंगे क्या? अगर विचारधारा मैच नहीं हो रही तो पार्टी से बाहर ही चढ़ा दी जाए, विचारधारा मैच नहीं हो रही तो पार्टी से बाहर। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप हिमांशु जी, उन्होंने स्पष्ट कहा था मैंने गांधी जी का अपमान नहीं किया, विचारधारा मैच हो रही है का अपमान नहीं किया, क्यों है गांधी जी का नेहरू जी का मैंने अपमान नहीं किया, उन्होंने स्पष्ट किया। एक आम इंसान होने के नाते अगर मैं बीजेपी पर भरोसा करता हूँ तो ऐसे नेताओं को बीजेपी के अंदर मैं कांग्रेस के लोग लगातार प्रधानमंत्री गलत गाली दे रहे हैं, सावरकर इरफान जी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, इरफान जी सवाल पूछते हैं इरफान जी, अब गांधी के बराबर सावरकर और प्रधानमंत्री आपसे नहीं पूछा जाएगा किसकी तुलना किससे की जाएगी, आप गांधी की तुलना अफजल गुरु जैसा ना इरफान जी, गुरु गांधी की तुलना आप करेंगे, आप लोग देखिए गांधी की तुलना हो रही है प्रधानमंत्री से। अरे भाई हिमांशु जी क्यों नहीं जी, प्रभात गांधी की तुलना हो रही है जी, प्रधानमंत्री को 130 करोड़ के प्रधानमंत्री है, गाली देंगे गांधी बन जाएंगे, गाली देंगे गांधी हो जाएंगे, विरोध के नाम पे गाली देंगे क्या, गांधी हो जाएंगे आप विरोध के नाम पे गाली देंगे, गांधी की तुलना कर रहे हैं गांधी के बराबर खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल गांधी जी के पदचिन्हों पे चलने वाला हर व्यक्ति गांधी है, गांधी के पदचिन्हों पे चलने वाला हर व्यक्ति गांधी है, सेम सेम सेम, लेकिन आप सेम सेम कर रहे हैं, आतंकवादियों को आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करते हैं, एक सेकंड चाहिए, एक सेकंड आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, ठीक है प्रभात जी, मानसू जी आज आपने जो ये डिबेट रखी है उससे भी इसलिए रखी है कि जो गांधी जी के बारे में हेगड़े ने बोला वो गलत बोला, इतनी पूरी घंटे की डिबेट हो गई,
पार्टी के एक वरिष्ठ विनीत शुक्ला जी एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, इन्होंने उसका खंडन नहीं किया क्योंकि इनके शीर्ष नेता ने खंडन नहीं किया। ये प्री प्लान जो पूरी चीजें एक समाज में स्थापित की जा रही है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि विचारधारा का जो पोलराइजेशन किया जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। 130 करोड़ जनता इसको माफ नहीं करेगी। गांधी जी का जो सम्मान हमारे देश के अंदर है वो सदियों हजारों साल तक चलता रहेगा, उसको कोई नकार नहीं सकता है। बिल्कुल आपकी, और मैं आपको बता रहा हूं इसमें इन लोगों को विचार करना चाहिए। हेगड़े जी जैसे लोग इस समाज में जो नफरत पैदा कर रहे हैं और गांधी जी को आपने समेट लिया, अरे आपकी कांग्रेस से लड़ाई होती है, कांग्रेस से आप लड़के, आप नेहरू से लड़के, लेकिन भैया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। प्रभात जी, हमारे पास समय की कमी है, डिबेट को यहीं रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। प्रभात जी, इरफान जी, विनीत जी, रोहित जी, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आनंद हेगड़े कुछ भी कहें, प्रज्ञा ठाकुर कुछ भी कहें, अगर कार्रवाई सही से नहीं होगी तो फिर ऐसे नेता बोलते रहेंगे, उनको आज सार्वजनिक मंच से खड़े होकर उनका निजी बयान बताते रहेंगे, लेकिन बदलाव के नाम पर कुछ नहीं होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, उनको यूं ही राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं मिल गई है। उनके बारे में कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचना बहुत जरूरी है। आप विचारधारा उनकी अलग हो सकती है या फिर पार्टियों की अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन ऐसे में एक महापुरुष को आप कुछ भी कह दें, उनके सहयोग को, उनके योगदान को आप भूल जाएं और कुछ भी बोलने लगे, ये सही नहीं है। फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही। अब बने रहिए इंडिया वॉच के साथ।